कक्षा 12C की छात्रा हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। वास्तव में ये पूरे भारत में विद्यार्थियों के लिए सबसे सम्मानपूर्ण अवसर है, जब हम अपने शिक्षकों को उनके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के रास्ते के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। यह आज्ञाकारी छात्रों द्वारा अपने शिक्षकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसलिए प्यारे साथियों, अपने शिक्षकों को तहे दिल से सम्मान देने के लिए इस उत्सव को मनाने में शामिल हो जाओ। उन्हें समाज की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि वे हमारे चरित्र के निर्माण, भविष्य को आकार देने में और देश का आदर्श नागरिक बनने में हमारी मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पूरे भारत ने 5 सितंबर को शिक्षकों को हमारी शिक्षा के साथ ही समाज और देश के लिए बहुमूल्य योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। वास्तव में 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। वह महान व्यक्ति थे और शिक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। प्रिय अध्यापकों, हम सभी वास्तव में आपके आभारी रहेंगे। अगर हम इस दुनिया को रोशन करने के काबिल हुए हैं तो वह गुरु की कृपा से ही हुए हैं। इसीलिए तो गुरु को साक्षात ईश्वर माना जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। गुरु यानी शिक्षक की महिमा अपार है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वहीं टीचर्स डे मनाने से शिक्षक और विद्यार्थियों का रिश्ता और भी मधुर बनता है, क्योंकि वह शिक्षक ही है जो खुद जलकर अपने विद्यार्थियों को रोशन करता है। अध्यापक विद्यार्थियों को सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं रखता, अपितु उसका मकसद समाज की हर एक बात बताना होता है, ताकि आगे चलकर विद्यार्थी ठोकर न खाए तथा भविष्य में इस बात को औरों को भी समझाए। गुरु और शिष्य के रिश्ते को भले ही कोई नाम नहीं दिया गया हो, पर यह सबसे अनमोल व सर्वश्रेष्ठ है। अंत में बस इतना ही कहूँगी कि ना सूरज दिखता आसमान पे, ना ही चांद का फेरा होता, ना फूल खिलते बागों में, ना ही सवेरा होता। हे गुरु, आपसे ही है ये दुनिया रोशन, आप ना होते तो हर तरफ अंधेरा होता। धन्यवाद।